हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं, और हाँ, वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस, बात यह है कि हम लोग ने रात भर यहाँ पे बैठ के मस्ती करी है, फिल्म देखी है। टीवी में यहाँ उठा के ले आया, एंड्रॉयड बॉक्स में यहाँ उठा के ले आया, सही है। लैपटॉप का चार्जर यहाँ पे, मूवी डाउनलोड करी, फिर इसमें लगाई, फिर देखी, चाय बनाई हम लोगों ने। रात में गैस नहीं आती है। तो अभी मैं सो गया था तो अम्मी ने उठाया, बोलिए बेटा पहले आप एक काम करें, जाएं ड्राइंग रूम की सफाई करें, और ड्राइंग रूम में जो आपने टीवी या रूम का टीवी जो उठा के ड्राइंग रूम में रखा है वो वापस उठा के मेरे कमरे में रखे हैं। दोपहर में कर देता भाई, अभी क्यों उठा दिया? अरे हाँ हाँ कर रहा हूँ कर रहा यार हूँ। शाबाश, सब उठाओ ये। अरे यार हाथ में दर्द हो रहा है बहुत, है? हाथ में ना। अच्छा, टीवी देखते में, सामान फैलाते में, चाय अरे तो बनाते मैं में। दोपहर में करता, आपने अभी उठा दिया यार। हाँ तो उठा दिया, अभी साफ करो। रोज आना, मैं सुबह सुबह साफ करके सोती हूँ। अभी देखो क्या हाल किया हुआ है। झूठ, आप सुबह साफ करके सोती है? आप तो रात में सोती है। अरे रात में तो सुबह उठ के सफाई करती हूँ। मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है, अकड़ गया हाथ। पंखा चला, पहले पंखा चला। चलो शाबाश, टीवी उठा भाई। नहीं माफिया नहीं मांगो, देखने में माफी वो मजा आया खूब, और अब माफिया मांग रहे हो। चलो चलो साफ करना है। अभी मासी आएगी 12 बजे तो कहेगी पहले भाई सब तो फैला हुआ, मैं कहाँ झाड़ू रहा हूँ। शेष अब शेष, वाह कितने तार पार निकल आया ये। चलो जा जा, वाह 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 वाह, अपनी जगह ही पे रखना है इसको। बदला लूंगा बदला। चल यहाँ से अपनी जगह पे रखना है इसको, जहाँ ये रखा था। चलो नहीं जा रहा मुन्ना। हाय हाय, हाथ हाथ में दर्द हो रहा है। हाय हाय, हाथ में दर्द है बेबी के, बेबी के हाथ में दर्द। फटाफट फटाफट भाग भाग भाग। टेबल किनारे करो। अच्छा सारा काम एक हाथ से हो रहे हैं। अरे तो भाई अपनी बेटी को भी तो उठाए। मैं बात तो सही है, मैं क्यों, अकेले बेटी ने थोड़ी देखना है कि बेटियां कुछ मेहमान हो। होती हैं, माँ के घर रहने आई हुई हैं। क्या बेटियां तो मेहमान होती हैं। अरे तो मैंने अकेले थोड़ी देखी है, उनको भी उठाओ, उनको भी बोलो सफाई करो। अच्छा क्यों सफाई करो, ये ऐसे फैला के रखा है। अरे ये मैं तो देखो, बेचारा मैं ये बेचारा कैटल देखो कहाँ पड़ी। अरे तो इसमें आपकी बेटी को ही मैंने चाय पिलाई है। अच्छा हाँ, मैंने मैंने भी पी, लेकिन उनको भी पिलाई, उनको भी उठाओ जाके। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? सही सही, चाय ना गिरे नीचे। मेरी चाय उठा के लाओ, टेबल पे रखी। ये छन्नी, चाय की छन्नी, बोतल, ये सब। अरे भाई माफ कर दो ना। अच्छा थोड़ी देर बैठ जा बस। सुबह सुबह उठा जी, 8 बज रहा है। A few moments later. So guys, मैं नहाकर आ गया हूँ और मैं साफ सुथरा हो गया हूँ भाई, इतनी गर्मी लग रही थी कि पूछो ही मत। खैर अच्छी बात है, अब नहा लिया हमने, अब देखते हैं कि अम्मी ने चाय बनाई है कि नहीं बनाई। मैंने उनको कहा था जब मैं नहाने जा रहा था, तो मैंने कहा था अम्मी आप चाय बना दिएगा मेरे लिए। अम्मी चाय बनाई है आपने मेरे लिए? कहाँ रखी? ओ हो। So guys, कैप्टन अमेरिका की मेरी सेंडो है और स्पाइडर मैन वाला कप। ओहो, पी के देखते हैं कि कैसी चाय बनाई है अम्मी ने। वैसे मैं सोया नहीं हूं अभी तक, और आंखों में मेरी नींद दिख रही है? नहीं लाल तो हो रही है, ये वाली आंख लाल हो रही है, ये वाली। चड्ढा समझाओ इसे। नहीं, दो चार घंटा सो जाओ, अम्मी कह रही है। कैसे सो जाओ जब नींद ही नहीं आ रही?
क्या बोलो टेस्टी। तो गाइस मैं अभी सोकर उठ चुका हूँ और अभी ये है कि गुड न्यूज़ ये है और शॉकिंग न्यूज़ भी है कि मेरा जैस कैश का डेबिट कार्ड आ गया है। झूठ बोल रहा है। अरे ये कैसे आ गया यार, ये मैंने पता आपको कब मैंने ऑर्डर किया था, ये तकरीबन मुझे कितने फरवरी मार्च अप्रैल मई तकरीबन चार महीने पहले मैंने इसको, यानी ये 25 जनवरी को आना था, डिलीवर होना था मेरे घर पे। उसके बाद से ये गायब बिल्कुल ना, फीस कट गई, सब कुछ हो गया, मतलब मैं फ़ोन भी कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। उसके बाद फिर मैंने इंटरनेट पे हेल्पलाइन पे कॉल करी, नहीं भाई मैसेज वैसेज कुछ भी नहीं। मैंने बोला गए पैसे मेरे। 4 महीने बाद मुझे ये जैस कैश डेबिट कार्ड मुझे डिलीवर हुआ। तो गाइस इसकी पैकिंग की हालत से तो यही लग रहा है कि ये बहुत पहले ही आ गया होगा इनके पास, और रखा आज इनको टाइम मिला है कि चलो यार उमेर भाई को भी आज डिलीवर कर ही देते हैं। बात तो सही है। चलो खैर अब ये है कि इसको ओपनिंग करते हैं। सो गाइस ये रहा मेरा जैस कैश कार्ड, और पीछे से नहीं दिखाऊंगा, पीछे वाला नंबर लिखा हुआ है और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है यार, यह सिप भी लगी हुई है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस फाइनली वो वक्त आ गया है कि ये जो हमने रैक्स मंगाए हैं ये हम दीवार पे लगा दें। ओके सही है, तो ड्रिल मशीन आ रही है और ये लगाएगा भाई, लगाएगा। सो गाइस फाइनली ये रैक्स लग चुके हैं, बहुत मुश्किल से लग रहे थे ये रैक्स, क्योंकि हुआ क्या था कि हमने जब यहाँ पे ड्रिल करी तो ड्रिल नहीं हो रही थी, सही है। और ये है कि ये वाला थोड़ा सा ढीला है ये वाला, और क्योंकि अभी क्या ड्रिल नहीं हो रही थी, ड्रिल ख़राब थी, तो हमने बस अब लगा दिया ये वाला ख़ास तौर पर, बाकी सब सही है। देखें आप गौर से देखें, इसमें कील लगी हुई होगी, यहाँ स्क्रू है और यहाँ कील है। खैर अब गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, ये सब साफ़ करना पड़ेगा। सो गाइस अभी यहाँ पे हम छोटा सा यहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे सिनेमा बनाएंगे। क्या बोला तूने? छोटा सा टीवी लगा के फुल मूवी वूवी देखेंगे बेहतरीन फिर से, सही है। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि जब हम लोग जाने लगे तो हम फौरन सारा सामान उठा के रख दें, सही है। और करना हमने ये है कि पहले ड्राइंग रूम की सफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर सिनेमा बनाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। सो गाइस ये फिल्म मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, बेबी डे आउट, आपने ये फिल्म देखी होगी, आपको तो याद आ ही गया होगा, ये बहुत फनी मूवी है। सो गाइस मैं छोटा मोटा काम कर लूँगा, ओके। बाकी अनाबिया अभिया वैक्यूम चला रही है, रुको 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 मैं इसको ऑन करके देता हूँ, सब्र करो रुको ज़रा सब्र करो। सबसे पहले ये दरी उठाओ और बाहर झाड़ो, चलो इसको ऑन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा भैया मेरा प्रोजेक्ट तोड़ दोगी तुम तो भाई, जाओ बाहर लेके जाओ उसको, झाड़ो। लो सब तो यहीं झाड़ दिया तुमने, तो हमने पहले कहीं सेट करना है, अभी वहाँ नहीं रखो, यहाँ तोड़ी रखते हैं, रास्ते में कौन रखता है पगली लड़की, यहाँ रखेंगे अभी हम रैक को। क्या बोला तूने? तुम्हें काम बताया ना, पहले जब वैक्यूम चलाते हैं ना तो वैक्यूम चलाते वक्त हमें सोफे भी साफ करने चाहिए, क्योंकि हमें ड्रिल का काम किया है। सोफे भी इससे ही साफ करें। किससे? इस डंडे से साफ करोगी? वैक्यूम से? नहीं, इसको खोल के लाए कैसे? वाह 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 वाह, देख रहे हैं क्या बोलूं मैं जा रहा हूं, मैं भाई मैं रहने के काबिल नहीं, मैं जा रहा हूं। हाँ। अरे क्या कर रही हो लड़की, क्या कर रही हो? ये ऐसे झड़ता है, बैठ के आराम से पालती वालती मार के तुम फिर झाड़ रही हो उसको। ये देखो ये आई हैं नई नई लड़कियाँ, सबसे पहले चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं, उसके बाद एक एक चीज़ की डस्टिंग होती है। देखो ये देखो कितना गंदा हो रहा है, ये देखो कितना गंदा हो रहा है, ये झाड़ा ही नहीं इन्होंने, हैं ना सोफे झाड़े ना कुछ, बस नीचे वैक्यूम चला दो। सो गाइस मेरी एक बहुत पुरानी टॉवल है, उससे हम सोफों को पहले झाड़ेंगे अच्छी तरीके से, सही है, जब तक कि अनाबिया डस्टिंग का कपड़ा लेकर आ रही है। सो गाइस आ गया है मेरे पास टॉवल, अब मैं करूंगा घर की अच्छी सफाई, सॉरी सिर्फ ड्राइंग रूम की, सही है। हाँ सही है,
ये आप देख सकते हैं सफाई कैसे हो रही है, देख रहे हैं आप, ये देखें सफाई कैसे हो रही है, ये देखें कैसे सफाई हो रही है। सही से सफाई करो, सही से, नहीं नहीं ये निकलता नहीं है, यही तो असल चीज़ है, सफाई करो। बहुत शौक हो रहा था ना सफाई करने का। ये देखो देखो चला कैसे रही है, एक हाथ से, एक हाथ से, इनसे चल ही नहीं रही। ये देखो, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो ही उठ ही नहीं रहा, वो कचरा ही नहीं उठ रहा उससे, देखो वो उठ ही नहीं रहा उससे, बताओ हद हो गई यार, हद हो गई। जाओ अंदर जाओ, ये साफ सफाई करो सब, यहाँ ड्रिल क्या वो कचरा गिरा हुआ है, सही से सफाई करो, सही से। अल्लाह तो भैया कैसे चलाओगी, एक हाथ से कौन चलाता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक थैली फंसा दी इसने, ये लो लाओ दिखाओ मुझे, मुझे दिखाओ भाई, वो जो गोल वाला कैसा, गोल वाला नहीं होता बेटा, ये देखो साफ करने का वो होता है, ये देखो ये पकड़ो तुम, देखा कितना साफ हो गया, थक के चूर हो गई सफाई पर, इतनी सी डस्टिंग करी और देखो इनकी हालत देखो क्या हो गई, लंबा लंबा खींचो शाबाश, हाँ नहीं नहीं सीधा आगे लेके जाओ, हाँ अराबिया अराबिया दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से वैक्यूम चलाई जाती है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सो गाइस फाइनली सफाई हो चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से सफाई हो चुकी है, अनाबिया अभी और मैंने मिलके करी है, फंके वाले भैया, हाँ फंके वाले भैया वहाँ रख दीजिए इसको, फंके वाले भैया वहाँ रख दीजिए, यहाँ हाँ यहाँ शाबाश, ये यहाँ यहाँ से ना सबको हवा आती है, ये भी बहुत अच्छा फ़ैन हमारे बहुत काम आता है। अब यहाँ पर टी वी ला के हमने रखना है और उसकी कनेक्शन करना है, तो हम टी वी को बुला लेते हैं यहाँ पर, ए टी वी यहाँ पर आ जा, आ गया, अरे वाह भाई ये तो जादू हो गया, टीवी यहाँ पे आ गया, सो गाइस टीवी यहाँ पर आ चुका है, सही है जादू से आ चुका है, और अनाबिया भी यहाँ पर आ चुकी है, अभिया भी आ चुका है फिर से गलती हो गई, और अब बुलाना है मैंने से अपनी आपी को, और मैं भी यहाँ पर ही मौजूद हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर के लिए जाऊँगा, मूवी जो डाउनलोड हो गई है उसको USB में डालूँगा, यहाँ ला कर चलाऊँगा, फिर हम देखेंगे बेबी डे आउट, बहुत फनी मूवी है। सो गाइस मूवी डाउनलोड हो चुकी है, अब हमने लगानी है USB, वो भी यहाँ पे लग गई भाई, मुबारक हो लग गई, जल्दी 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 शाबाश, जल्दी कॉपी हो जाओ, जल्दी कॉपी हो जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी हो जाओ भाई, जल्दी हो जाओ। सो गाइस कॉपी हो चुकी है, अब ये हमने USB निकाल ली और इसको कर देंगे हम शट डाउन, सो गाइस USB आ गई है, कनेक्ट हो गई USB। सो गाइस ये बहुत बड़ा काम हो गया है कि अम्मी ने जो रैक मंगाए थे वो लग चुके हैं, बहुत बड़ा काम हो गया, अम्मी बहुत खुश होंगी कि यार रैक लग चुके हैं, क्योंकि अम्मी को नींद आ रही थी, अम्मी चले गई थी सोने, अम्मी ने ये लगते हुए नहीं देखे, एक इसका रैक लगते हुए देखा था, बाकी के लगते हुए नहीं देखे, सही है, अब सुबह उठ के अम्मी देखेंगी तो अम्मी बड़े खुश हो जाएंगी कि भाई जो मैंने मंगवाया था वो लग भी गया और अच्छा भी लग रहा है। अब ये होता है ना कि हम लोग जैसे इतवार बाज़ार जा रहे हैं, वैसे तो बहुत महीनों से नहीं गए, लेकिन जैसे जाते हैं छोटी मोटी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, अब उसको रखेंगे घर में लाके, तो अब ये रैक लग गया, अब हम इसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें लाके रखेंगे, इतना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बात तो सही है। सो गाइस टीवी ऑन हो चुका है, अब लगाएंगे हम अपने मतलब की फिल्म, सो गाइस मूवी लग चुकी है, अब हम लोग इंजॉय करेंगे मूवी पूरी रात, सही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अपने भाई को, सही है, अल्लाह हाफिज़।